हेलो, गुड आफ्टरनून गाइस, दिस इज़ यशस्वी व्यास। एंड कैसे हैं आप सब? तो आज हम बात करेंगे प्लास्टिड्स के बारे में। ठीक है, हमने माइटोकॉन्ड्रिया देख लिया था, तो अब हम बात करेंगे प्लास्टिड्स के बारे में। प्लास्टिड्स क्या होते हैं? प्लास्टिड जो होते हैं, एक मेजर सेल ऑर्गन होता है। मैंने आपको बताया था कि ये एक सेमी ऑटोनोमस ऑर्गन होता है। सेमी ऑटोनोमस का मतलब क्या होता है? माइटोकॉन्ड्रिया, मैंने आपको बताया था, माइटोकॉन्ड्रिया इज सेमी ऑटोनोमस ऑर्गन एंड प्लास्टिड मींस क्लोरोप्लास्ट इज सेमी ऑटोनोमस ऑर्गन। प्लास्टिड्स के अंदर हम क्लोरोप्लास्ट, क्रोमोप्लास्ट, ल्यूकोप्लास्ट, इन सब के बारे में स्टडी करते हैं। तो आज हम सेपरेटली प्लास्टिड के बारे में डिटेल में स्टडी करेंगे, फाइन। तो देखिए, प्लास्टिड्स क्या होते हैं? ये एक सेल ऑर्गेनिज्म होते हैं जो कि मेनली प्लांट्स के अंदर प्रेजेंट होते हैं। प्लास्टिड जो होते हैं वो एनिमल्स में एब्सेंट होते हैं, बिकॉज इट कंटेन क्लोरोप्लास्ट, क्रोमोप्लास्ट, एंड दीज आर एब्सेंट इन द केस ऑफ एनिमल्स। सो दीज आर प्रेजेंट इन ओनली इन प्लांट्स, फाइन। इसमें हम क्लोरोप्लास्ट, क्रोमोप्लास्ट के बारे में स्टडी करेंगे। अभी हम देखते हैं प्लास्टिड को। सबसे पहले जब भी हम किसी भी चीज़ को स्टडी करते हैं, सबसे पहले हम उसकी डिस्कवरी पढ़ते हैं कि उसको डिस्कवर किसने किया था, फाइन। तो देखिए, discovered by Schimper, ये दो साइंटिस्ट थे, ठीक है। उन्होंने जो हैकल है उन्होंने प्लास्टिड वर्ड को दिया था, कॉइन मतलब कि दिया था, ठीक है। जबकि डिस्कवर किसने किया था? Schimper जो साइंटिस्ट थे उन्होंने इसको डिस्कवर किया था, ठीक है। तो ये चीज़ हो गई इसके बारे में। अब ये कहाँ पे प्रेजेंट होते हैं, कहाँ पर इनकी अक्रेंस होती है? तो दे आर प्रेजेंट इन प्लांट सेल, फाइन। दीज आर प्रेजेंट इन प्लांट सेल, ये प्लांट सेल में प्रेजेंट होते हैं, एक्सेप्ट बैक्टीरिया, ब्लू ग्रीन एल्गी, फाइन। ब्लू ग्रीन एल्गी जो होती है उसको हम साइनोबैक्टीरिया भी कहते हैं, साइनोबैक्टीरिया भी हम उसको कहते हैं। तो देखिए, ये हमने देख ली कि हैं कहाँ पर प्रेजेंट होते हैं, कहाँ पर ये एब्सेंट होते हैं। तो एक्सेप्ट का मतलब क्या है? एक्सेप्ट यानी कि अलावा, यहाँ पर प्रेजेंट नहीं होते हैं, जबकि प्लांट सेल में ही प्रेजेंट होते हैं, फाइन। अब देखिए, अब हम देखेंगे इनका कलर कैसा होता है। इट मे बी कलरफुल एंड कलरलेस, ठीक है। ये कलरफुल भी हो सकते हैं और कलरलेस भी हो सकते हैं। अब कलरफुल क्यों होते हैं और कलरलेस क्यों होते हैं, इसके बारे में अभी आगे डिटेल में स्टडी करेंगे, ठीक है। तो ये हमने छोटी सी इंफॉर्मेशन कलेक्ट कर ली अबाउट द प्लास्टिड, ठीक है। तो आगे देखिए, तो अभी देखिए, मैंने अभी आपको बोला था कि प्लास्टिड में भी कलरफुल और कलरलेस ये दोनों हो सकते हैं। तो ऑन द बेसिस ऑफ कलर उनको दो पार्ट्स में डिवाइड किया गया है, ओके। ऑन द बेसिस ऑफ कलर दीज आर डिवाइडेड इन मेनली टू पार्ट्स। फर्स्ट इज क्रोमोप्लास्ट,
chromoplast, and second is leucoplast. Fine. तो ये देखिए जो क्रोमोप्लास्ट होते हैं और ल्यूकोप्लास्ट ये दो इनके टाइप होते हैं. तो जो क्रोमोप्लास्ट होते हैं इट मे बी सॉरी इट इज कलरफुल. क्रोमोप्लास्ट आर कलरफुल्स. जबकि ल्यूकोप्लास्ट जो होते हैं वो कलरलेस होते हैं. ठीक है. अब ल्यूकोप्लास्ट को जो कलरलेस होते हैं उनको अगेन थ्री पार्ट्स में फर्दर डिवाइड किया गया है. तो देखिए फर्स्ट इज अमाइलोप्लास्ट. अमाइलोप्लास्ट प्रोटीनोप्लास्ट एंड थर्ड इज इलियोप्लास्ट. ओके ये जो है इसके तीन टाइप्स हैं अमाइलो प्रोटीनो और इलियोप्लास्ट. जबकि जो कलरफुल होते हैं उसमें आगे हम डिटेल में स्टडी करेंगे अबाउट द क्लोरोप्लास्ट एंड और भी कलरफुल पिगमेंट्स होते हैं उन सब के बारे में. ठीक है. तो ये जो अमाइलो प्लास्ट जो होते हैं ये क्या करते हैं ये स्टोर करके रखते हैं किसको स्टार्च को. ओके ये स्टार्च को स्टोर करके रखते हैं. जबकि जो प्रोटीनोप्लास्ट होते हैं वो प्रोटीन को स्टोर करके रखते हैं. ओके आप दूसरी क्लास में शिफ्ट कर लो. ठीक है. तो देखिए अमाइलोप्लास्ट जो स्टोर करके रखते हैं स्टार्च को प्रोटीनोप्लास्ट करते हैं प्रोटीन को एंड ये जो है स्टोर होते हैं किसमें सीड्स में सेल्स दालों वगैरह में इन सब में ये स्टोर रहते हैं. तो देखिए ये मैंने आपको छोटा सा क्लासिफिकेशन बता दिया है अबाउट द प्लास्टिड क्रोमोप्लास्ट एंड ल्यूकोप्लास्ट. ये जो दो होते हैं क्रोमोप्लास्ट आर कलरफुल पिगमेंट्स एंड ल्यूकोप्लास्ट आर कलरलेस. इनको फर्दर तीन पार्ट्स में डिवाइड किया गया है अमाइलो प्रोटीनो इलियो. बहुत सिंपल है याद करने में. अमाइलो स्टोर करके रखते हैं स्टार्च को प्रोटीनोप्लास्ट प्रोटीन को इलियोप्लास्ट जो है सीड्स वगैरह में स्टोर होते हैं. ठीक है. अब देखिए दोबारा से अब इसका तो क्लासिफिकेशन हमने पढ़ लिया. जबकि जो क्रोमोप्लास्ट है इनका क्लासिफिकेशन अभी हमको और पढ़ना है. इसके बारे में मैंने आपको बता दिया कलरलेस होते हैं ल्यूकोप्लास्ट. ठीक है. अब क्रोमोप्लास्ट जो है उसमें क्लोरोप्लास्ट हमें पढ़ना है और क्या क्या चीज़ें पढ़नी है आगे देखिए. नाउ देखिए अब क्रोमोप्लास्ट. क्रोमोप्लास्ट को क्या बोला है हमने क्रोमोप्लास्ट को हमने बोला है कलरफुल पार्ट. ठीक है. कलरफुल पार्ट में जो क्लोरोप्लास्ट हम पढ़ेंगे वो कौन से कलर के होते हैं वो ग्रीन कलर के होते हैं. ठीक है. बाकी के जो और भी कलरफुल पिगमेंट्स होते हैं उनके बारे में भी हम इसी में ही डिस्कस करते हैं. ठीक है. तो इसको हम दो पार्ट में फिर डिवाइड कर देते हैं नॉन ग्रीन एंड ग्रीन पार्ट. फाइन. ग्रीन पार्ट में हम किसके बारे में डिस्कस करते हैं अबाउट दी क्लोरोप्लास्ट. फाइन. क्लोरोप्लास्ट के बारे में हम ग्रीन पार्ट के बारे में हम क्रोमोप्लास्ट में डिस्कस करते हैं. नॉन ग्रीन में क्या क्या आ जाएंगे हमारे देखिए फाइकोएरिथ्रीन फाइकोसायनिन. ओके फाइकोएरिथ्रीन फाइकोसायनिन एंड वन मोर पिगमेंट इज ऑल्सो देयर
Xanthophyll. Xanthophyll. Fine. Phycoerythrin, phycocyan, xanthophyll. These are the non-green parts and discuss up in the chromoplast. ठीक है? तो देखिए अब देखिए आपके मन में ये क्वेश्चन आ रहा होगा इट मे बी कि ये जब नॉन ग्रीन पार्ट है तो इनको हमने ल्यूकोप्लास्ट में क्यों नहीं रखा. ठीक है, तो हमने एक ल्यूकोप्लास्ट में क्या पढ़ा था, तो देखिए ल्यूकोप्लास्ट में हमने बिल्कुल कलरलेस पढ़ा था, जिसमें बिल्कुल कलरलेस होते हैं, जो कोई कलर नहीं होता है जिनमें. ठीक है, इसलिए हम उनको बिल्कुल सेपरेटली पढ़ रहे हैं, जबकि इसमें ग्रीन और नॉन ग्रीन पढ़ रहे. ग्रीन इसमें यहाँ पर जो कलर है मतलब ग्रीन कलर उसको हमने स्पेसिफाई कर दिया, तो जो ग्रीन कलर है उसमें तो ग्रीन जो है वो क्लोरोप्लास्ट पढ़ेंगे, जबकि जो नॉन ग्रीन है मतलब ग्रीन नहीं है बट कलरफुल है, ग्रीन नहीं है बट कलरफुल है, तो ये जो सैंथोफिल फाइकोसाइन एंड फाइको एरिथ्रीन जो होते हैं ये ग्रीन नहीं होते बट दूसरा इनमें कलरफुल पिगमेंट्स कलरफुल ये होते हैं. ठीक है, तो देखिए ये इसका डिस्क्रिप्शन थोड़ा सा हो गया है. देखिए अब ये जो होते हैं ये कहाँ पर प्रेजेंट होते हैं, ये फाउंड इन फ्लावर्स एंड फ्रूट्स, ये फ्लावर्स एंड फ्रूट्स में ये प्रेजेंट होते हैं. ठीक है, तो इसके बारे में हमने थोड़ा सा पढ़ लिया, अब आगे हम इसके बारे में डिस्कस करेंगे. तो पहले मैं आपको क्लोरोप्लास्ट के बारे में बताऊंगी. तो देखिए अभी हमने इनके बारे में डिस्कस कर लिया है, तो अभी हमने क्लोरोप्लास्ट के बारे में क्रोमोप्लास्ट के बारे में डिस्कस करने से पहले मैं आपको इसके पिगमेंट्स के बारे में बताऊंगी कि इनमें कौन कौन से पिगमेंट्स प्रेजेंट होते हैं. तो देखिए मेन पिगमेंट्स ऑफ प्लास्टिड, देखिए फर्स्ट पिगमेंट होता है इसका कैरेटिनॉइड. फाइन, कैरेटिनॉइड जो होता है उसमें एक पिगमेंट होता है इसका कैरोटीन. फाइन, कैरेटिनॉइड में जो कैरोटीन होता है वो कैरोटीन किसमें प्रेजेंट होता है, प्रेजेंट इन रेड चिली यानी लाल मिर्च एंड टोमेटो. ठीक है, जो कैरोटीन होता है वो टोमेटो में और रेड चिली में प्रेजेंट होता है. ठीक है, स्पेसिफिकली अभी ऐसे समझ लीजिए जनरलाइज्ड फॉर्म में समझ लीजिए कि जो कैरोटीन होता है कैरोटीन रेड चिली और टोमेटो में प्रेजेंट होता है, जिसकी वजह से रेड चिली एंड टोमेटो का कलर रेड होता है. ठीक है, अब मैं स्पेसिफाई ये तो जनरलाइज बात हो गई कि जो रेड कलर होता है वो इसकी कैरोटीन की वजह से होता है. ठीक है, अब देखिए एक होता है बीटा कैरोटीन. बीटा कैरोटीन जो है किसमें प्रेजेंट होता है, कैरेट में, जिसकी वजह से उसका कलर यानी गाजर में उसका कलर जो लाल होता है वो किसकी वजह से होता है, बीटा कैरोटीन की वजह से उसका रेड कलर होता है. ठीक है, तो बीटा कैरोटीन इज प्रेजेंट ऑन दी कैरेट. ठीक है, तो ये कैरेटिनॉइड की बात हो गई. अब देखिए
नेक्स्ट देखिए सेकंड कैरोटीनॉइड के बाद में आता है ज़ेंथोफिल. ज़ेंथोफिल ज़ेंथोफिल का एग्जांपल होता है एक फ्यूकोज़ेंथीन. फ्यूकोज़ेंथीन ये जो होता है ये प्रेजेंट होता है किसमें? प्रेजेंट इन ब्राउन एल्गी. फाइन ये जो है ब्राउन एल्गी में ज़ेंथोफिल प्रेजेंट होता है. स्पेसिफिकली बोलूँ मैं तो फ्यूकोज़ेंथीन इसमें प्रेजेंट होता है. फाइन तो ये सेकंड पिगमेंट हो गया इसका ज़ेंथोफिल. थर्ड इसका पिगमेंट होता है फाइकोबिलिन्स. फाइकोबिलिन्स फर्स्ट तीन पिगमेंट होते हैं टोटल कैरेटिनॉइड. सेकंड इज ज़ेंथोफिल एंड थर्ड इज फाइकोबिलिन्स. फाइकोबिलिन्स में देखिए मेनली इसके बाद मैं रख करके यहाँ पर बताती हूँ आपको. इसमें तीन होते हैं टोटल. कौन कौन से होते हैं? एक तो होता है इसका फाइको एरिथ्रीन, फाइको साइनिन. ओके फाइको एरिथ्रीन जो होता है वो इनको रेड कलर प्रोवाइड करता है. ठीक है कौन सा कलर प्रोवाइड करता है? फाइको एरिथ्रीन, फाइको साइनिन ये जो होते हैं. फाइको एरिथ्रीन रेड कलर देता है जबकि फाइको साइनिन जो होता है वो ब्लू कलर देता है. ब्लू कलर. थर्ड और होता है एक एलोफाइकोसाइनिन. एलोफाइकोसाइनिन एलोफाइकोसाइनिन जो होता है इनमें ग्रीन कलर प्रोवाइड करता है इनको. ठीक है फाइको एरिथ्रीन, फाइकोसाइनिन, एलोफाइकोसाइनिन. एरिथ्रीन करता है रेड कलर. आपको याद करने का तरीका बताती हूँ. एरिथ्रीन ई आ रहा है यहाँ पर सेंटर में, यहाँ पर भी ई आ रहा है सेंटर में. फाइकोसाइनिन को भी याद रख सकते हैं ब्लू कलर प्रोवाइड करता है. एलोफाइकोसाइनिन इसको ग्रीन कलर प्रोवाइड करता है. तो मेनली जो है प्लास्टिड के तीन पिगमेंट होते हैं. फर्स्ट इज कैरेटिनॉइड, सेकेंड इज ज़ेंथोफिल एंड थर्ड इज फाइकोबिलिन्स. फाइकोबिलिन्स को दोबारा से तीन तीन पार्ट्स में डिवाइड किया है. फाइको एरिथ्रीन, फाइकोसाइनिन एंड एलोफाइकोसाइनिन. ठीक है तो ये हमारी बात हो गई इसके बारे में, पिगमेंट्स ऑफ प्लास्टिड के बारे में. Now we let's move towards the chloroplast. Chloroplast. ठीक है क्रोमोप्लास्ट के बारे में मैंने आपको बता दिया. ल्यूकोप्लास्ट के बारे में आपको मैंने बता दिया. जो क्रोमोप्लास्ट होते हैं उनके बारे में अलग अलग पिगमेंट्स देख लिए हमने. कलरफुल जो पिगमेंट्स होते हैं ठीक है जो उनको ब्लू ग्रीन और रेड कलर प्रोवाइड करवा रहे थे. अब हम स्पेसिफिकली बात करें किसके बारे में? क्लोरोप्लास्ट के बारे में जो कि मेनली क्या है? ग्रीन पार्ट्स हैं. किसके? प्लांट्स के, प्लास्टिड के. तो पहले मैं आपको क्लोरोप्लास्ट का थोड़ा सा स्ट्रक्चर बता देती हूँ ताकि आपको थोड़ा सा उसके बारे में पता लग जाएगा. ठीक है तो देखिए देखिए ये जो है एक डबल मेम्ब्रेनियस स्ट्रक्चर होता है. जो क्लोरोप्लास्ट होता है वो सेमी ऑटोनोमस होता है. दो चीज़ें मैंने आपको बताई थी जो माइटोकॉन्ड्रिया होता है और क्लोरोप्लास्ट होता है. ठीक है एंड न्यूक्लियस जो होता है ये तीनों क्या होते हैं? ये
डबल मेम्ब्रेनस स्ट्रक्चर होते हैं. डबल मेम्ब्रेनस स्ट्रक्चर का मतलब जिन पर डबल मेम्ब्रेन, एक के ऊपर एक मेम्ब्रेन और प्रेजेंट है. तो जो माइटोकॉन्ड्रिया होते हैं उनमें भी दो मेम्ब्रेन प्रेजेंट होती है, जो क्लोरोप्लास्ट होते हैं उनमें भी दो मेम्ब्रेन प्रेजेंट होती है, एंड जो न्यूक्लियस होते हैं न्यूक्लियस में भी दो मेम्ब्रेन हमारे प्रेजेंट होती है. ठीक है, वन मोर थिंग जो होती है, तो देखिए इसमें ये क्या होते हैं, ये सेमी ऑटोनोमस होते हैं. सेमी ऑटोनोमस ऑर्गन से मतलब है कि इनके पास इनका सेल्फ यानी खुद का डीएनए प्रेजेंट होता है. माइटोकॉन्ड्रिया के पास भी खुद का डीएनए होता है, जबकि क्लोरोप्लास्ट के पास भी खुद का डीएनए होता है, और न्यूक्लियस के पास तो खुद का डीएनए होता ही है. ठीक है, तो माइटोकॉन्ड्रिया एंड क्लोरोप्लास्ट बोथ आर द सेमी ऑटोनोमस ऑर्गन एंड डबल मेम्ब्रेनस ऑर्गन. तो देखिए मैंने इसको डबल मेम्ब्रेनस स्ट्रक्चर बनाया है इसका, क्योंकि इसमें दो मेम्ब्रेन प्रेजेंट होती है. तो देखिए ऊपर की जो होती है वो आउटर मेम्ब्रेन, अंदर की जो होती है वो होती है इसकी इनर मेम्ब्रेन. ठीक है, अब देखिए इनमें गोल गोल सी स्ट्रक्चर्स होती है. ये इस तरह से इनमें स्ट्रक्चर्स होती है. ठीक है, देख पा रहे हैं आप इसका स्ट्रक्चर, आप सोच पा रहे हैं कि किसकी तरह लग रहा है. इसका स्ट्रक्चर जो है, कॉइन्स देखे हैं आपने, सिक्के सभी नहीं देखे होंगे. ठीक है, तो जब हम सिक्कों को एक के ऊपर एक अरेंज करते हैं तो उनकी स्ट्रक्चर भी इस तरह से ही नज़र आती है, गोल गोल गोल. जो अगर आप फ्रंट से देख रहे हो, 3D में की बात नहीं कर रही हूँ मैं, सामने से फ्रंट से देख रहे हो आप, तो आपको गोल गोल ऊपर वाला सिक्का जो कॉइन होता है, ऊपर वाला कॉइन ही ठीक से दिखाई देता है आपको. बाकी के जो नीचे होते हैं उनकी एक सरफेस दिखाई देती है आपको, बट बाकी का पीछे का नहीं दिखाई देता अगर आप फ्रंट से देख रहे हैं तो, और जो है आपको उसके अंदर का दिखाई नहीं देता है. तो कॉइन्स की तरह अरेंज होता है इनमें ये, तो ये होता क्या है. ठीक है, तो देखिए ऊपर का जो एक पार्ट होता है वो होता है इसका थायलेकॉइन. व्हाट इज इट, थायलेकॉइन. ठीक है, ये बात हो गई ऊपर वाला पार्ट क्या कहलाता है इसका, थायलेकॉइन. बट नाउ आई एम टॉकिंग अबाउट द होल थायलेकॉइड्स, मीन्स ऑल कॉइन्स की बात कर रही हूँ मैं. तो सारे कॉइन्स को क्या बोला जाता है, ग्रेना या फिर ग्रेनम, कुछ भी कह सकते हैं आप. ठीक है, मेनली ग्रेनम और ग्रेना जो होता है वो सिंगुलर प्लूरल अलग अलग के लिए यूज होता है. ठीक है, बट आप इसको ग्रेना भी बोल सकते हैं. तो जो ऊपर का जो होता है वो थायलेकॉइड, यानी एक कॉइन, आई एम टॉकिंग अबाउट ओनली द वन कॉइन इज थायलेकॉइड, एंड आई एम व्हेन द टॉकिंग अबाउट द सीरीज ऑफ कॉइन्स इज कॉल्ड ग्रेना. ठीक है, तो ये क्या कहलाता है आपका, ग्रेना सारे कॉइन्स. अब मैं बात कर रही हूँ, अब देखिए ये जो होते हैं एक दूसरे से जुड़े हुए होते हैं. ठीक है, ये एक दूसरे से जुड़े हुए होते हैं, ये देख लीजिए. ठीक है, तो ये जो होता है, पहले मैं आपको ये बता देती हूँ, इनमें जो है ये जो फ्री स्पेस है उसको कहा जाता है स्ट्रोमा. ठीक है, अब ये जो ग्रेना है सब एक दूसरे से कनेक्टेड है, तो इनको क्या कहा जाता है, स्ट्रोमा लैमेली. व्हाट इज स्ट्रोमा लैमेली, फाइन. तो ये जो है स्ट्रोमा लैमेली होते हैं. तो ये जो है स्ट्रक्चर हो गया किसका. एंड वन मोर थिंग इज, ये जो होता है ये स्पेस, ये कहलाता है पेरीप्लास्टिड स्पेस. ठीक है, ये पेरीप्लास्टिड स्पेस कहलाता है. तो ये जो है बात हो गई हमारे पूरे, इसके बात हो गई ये हमारे क्लोरोप्लास्ट की. एक और चीज़ यहाँ पर जो है, इसका खुद का सेल्फ का डीएनए होता है, यानी ये सेमी ऑटोनोमस है तो इसका सेल्फ का डीएनए होता है, इसलिए इसको सेमी ऑटोनोमस ऑर्गन भी बोलते हैं. और ये डीएनए प्रेजेंट होता है, जो कि हमने यहाँ पर इनका मेंशन कर दिया है. ठीक है, अब देख लीजिए एक चीज़, तब हम क्लोरोप्लास्ट के स्ट्रक्चर के बारे में डील करते हैं, तो ज़्यादा हमें डिटेल में जाने की ज़रूरत नहीं है, थोड़ा सा देखने की ज़रूरत है बस. क्लोरोप्लास्ट का जो केमिकल फॉर्मूला, केमिकल स्ट्रक्चर के बारे में जब हम बात करते हैं, तो इनके बीच में सेंटर में एक
मॉलिक्यूल होता है दैट इज मैग्नीशियम Mg. फाइन, तब हम ये तो सिंपल बात हो गई क्लोरोप्लास्ट के स्ट्रक्चर के बारे में. नाउ आई एम टॉकिंग अबाउट द केमिकल स्ट्रक्चर, केमिकल फॉर्मूला ऑफ क्लोरोप्लास्ट. तो इनके बीच में जो होता है वो मैग्नीशियम होता है. ठीक है, मैं इसके बारे में आपको थोड़ा बता देती हूँ. देखिए यहाँ पर इनके बीच में, अभी मैं पूरा स्ट्रक्चर ड्रॉ नहीं कर रही हूँ, मैं आपको थोड़ी सी नॉलेज दे रही हूँ अबाउट द केमिकल स्ट्रक्चर ऑफ क्लोरोप्लास्ट. इनमें जो है बीच में सेंटर एटम जो होता है वो मैग्नीशियम होता है, इट इज सेंटर एटम. और इसके आसपास जो है चार पोरफायरिन रिंग्स होती है. ठीक है, और एक टेल होती है, पायरोल रिंग, पायरोल टेल भी आप उसको बोल सकते हैं. और ये जो है इनमें पोरफायरिन रिंग होती है. सॉरी सॉरी, मैंने थोड़ा सा आपको बाय मिस्टेक रुकी. तो देखिए ये जो है चार जो है ये इनकी पायरोल रिंग्स होती है, पायरोल रिंग्स. ठीक है, इनकी चार पायरोल रिंग्स होती है और ये जो होती है इनकी एक टेल होती है. ठीक है, और ये जो है इनकी टेल है और बीच में जो है मैग्नीशियम वो सेंट्रल आयन है मैग्नीशियम. तो मेनली बहुत से बार पूछ लिया जाता है कि जो मैग्नीशियम होता है क्लोरोप्लास्ट का जो स्ट्रक्चर होता है उसके सेंटर में कौन सा मॉलिक्यूलर एटम प्रेजेंट होता है. तो कौन सा आयन प्रेजेंट होता है उसमें, मैग्नीशियम प्रेजेंट होता है. उसके आसपास चार, 1 2 3 4 चार पायरोल रिंग्स होती है और एक टेल प्रेजेंट होती है. तो ये जो है क्लोरोप्लास्ट का केमिकल स्ट्रक्चर के बारे में हमने पढ़ लिया है. तो अभी हम आगे क्लोरोप्लास्ट के थोड़ा डिटेल में जाएंगे. वैसे मैंने आपको ओवरऑल पूरा कंप्लीट मैंने आपको पढ़ा दिया है, बट जो है हाँ एक चीज़ रह गई है, मैंने आपको क्रोमोप्लास्ट यानी प्लास्टिक के पिगमेंट्स के बारे में बता दिया. अब मुझे पढ़ाना है पिगमेंट्स ऑफ क्लोरोप्लास्ट. ठीक है, वो जो हमने पढ़े थे वो किसके पिगमेंट थे, क्रोमोप्लास्ट के, नहीं सिंपल कलरफुल जो पार्ट्स हमने पढ़े थे. अब हमें पढ़ना है मेन पिगमेंट ऑफ क्लोरोप्लास्ट, क्लोरोप्लास्ट के, इसके क्लोरोप्लास्ट के पिगमेंट्स के बारे में. वो कौन कौन से होते हैं, क्लोरोफिल ए, क्लोरोफिल बी, क्लोरोफिल सी, डी, ई, इन सब के बारे में थोड़ा सा हमें डिटेल थोड़ा सा पढ़ना है. उसके बारे में हम नेक्स्ट सेशन में डील करेंगे. ओके फाइन, सो थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो.